एक्टिव न्यूज चैनल। खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शाह एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूँ। देखते हैं अहम खबर। हाईटेक इस्लामिक हाई स्कूल जहांगीर नगर तालाब कट्टे में 25 और 26 जनवरी 2020 को साइंस एग्जीबिशन मुनक़िद किया गया, जिसमें तलबा व तालिबात ने साइंस से मुतालिक तजुर्बे और मॉडल्स तैयार किए। कमसिन तलबा व तालिबात नामवर शख्सियतों का किरदार निभाया। मेहमान खुसूसी टीआरएस पार्टी इंचार्ज मलकपेट अलहाज मोहम्मद आजम अली, श्रीमती शांति देवी अक्का टीआरएस स्टेट महिला लीडर, मोहम्मद गौस मोहीउद्दीन उर्फ सैयद सिकंदर, सैयद लायक अली टीआरएस कोऑर्डिनेटर, मोहम्मद इम्तियाज अली माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट के अलावा स्पेशल ब्रांच पुलिस डिपार्टमेंट श्रीमती माधवी लक्ष्मी थे। अलीना फिर ये ड्रेस कैसे बने हैं? अलीना का ड्रेस है क्या? आज का नाम क्या है आपका? आज का नाम क्या है? क्या क्या करती है? चल रहा खाली बैठी है। सॉरी जय तेलंगाना। आज यहाँ पर हमारे ओल्ड सिटी में तालाब कट्टा पे हाईटेक स्कूल बोलकर ये एक कोएड स्कूल है, जो यहाँ पे हर चीज़ से हम आए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, जो यहाँ पे प्यार मोहब्बत से जो बच्चों को तालीम दी जाती है। एंड रियली ग्रेट, दे आर रियली एजुकेटेड, दे आर रियली एक्सीलेंट एंड दे आर गिविंग द टाइम। मतलब ये लोग जो पूरी फैमिली मिलके जो टाइम दे रहे हैं, गौस भाई जो हैं उनकी परिवार के साथ जो स्कूल में बच्चों को टाइम देते हैं, वो बहुत आज के ज़माने में कम देखने को मिलता है। और तालीम तो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पहलू है, जो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमारे कल्चर और तहजीब का भी यहाँ पे बच्चों को क्या है दिया जा रहा है कि बताया जा रहा है, हमारा देश का और हमारे पूरे संस्कृति का क्या है। ये सबसे बड़ी बात है, आज के ज़माने में हम लोग हमारी संस्कृति और हमारी तहजीब भूलते जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर, और हम चाहेंगे कि बच्चों के साथ यही मिलजुल कर जो आगे बढ़ते रहें। अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे। जय तेलंगाना। थैंक यू। स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी, कहावत है हम लोग बचपन में सुनते थे, हमारे बड़े लोग बोला करते थे, खेलोगे खुदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब। पर ये बात गलत है। हमारे वालिद साहब, मरहूम वालिद साहब और दादाजी से मैं ये सवाल करती थी कि दादाजी कौन सी बात सही है, तो बोलते थे हर चीज़ अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी है। खेलना खुदना भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, संस्कार भी ज़रूरी है, हर चीज़ अपनी
तरीके से बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को हर चीज़ अपने टाइम से और हर चीज़ अपने तरीके से करनी चाहिए, और हमारे देश के लिए और हमारी संस्कृति के लिए जो हम सीखते हैं वो परंपरा फॉलो करना चाहिए। बस हम यही कहना चाहेंगे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैडम की सदारत में, अका मैडम की सदारत में लाए हुए हमारे अन्ना साहब और प्रिंसिपल साहब की सताइश बहुत ही अच्छे तरीके से देखने में मिली, और यहाँ पर पुराने शहर में जहाँ पर तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसे मासूम बच्चों को इन्होंने कम उम्र में बड़ी अच्छे तालीमात नज़र आई, यहाँ पर क्रिएटिव आइडियाज नज़र आए, सारा एग्जीबिशन माशाल्लाह तारीफ़ के लिए मोहताज नहीं है, हमारे वर्ड्स इसके लिए कम है। वेल आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर इट, बट लेकिन मैं मेरे वर्ड्स ना निकल रहे कि इन्होंने जो काम अंजाम दिया है, और ये चीज़ आगे निखर के आएगी ये स्कूल। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, सारे हैदराबाद से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये देखें एक मरतबा, ये जो है ना छोटा सा स्कूल है, एक छोटे से एरिया में इन्होंने इतना बड़ा काम अंजाम दिया है, और आगे ये बहुत आगे तक तरक्की करेगा, ये मेरा यकीन है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आज ये जो एग्जीबिशन का एहतमाम किया है हम जनाब असलम सर, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, इसके ऊपर कितनी मेहनत लगती है, यहाँ सजाने वाले या जमाने वाले यहाँ पर मेहनत करने वाले ये हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि इस एग्जीबिशन को सजाना जमाना, फिर इसका शो करना, फिर मेहमान को बुलाना, फिर मेहमान नवाजी के साथ साथ इनको ये नुमाइश पेश करना इनके सामने बहुत ही बड़ी बात है। मैं मुबारकबाद देता हूँ, ये बहुत कम जगह में बहुत बड़ा काम कर चुके हैं। जैसा कि ये एक्चुअल देखे गया तो एग्जीबिशन ग्राउंड में इस तरीके का प्रोग्राम होता है, इतना बड़ा प्रोग्राम कम जगह में हो गया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब असलम सर को और उनके स्टाफ को, उनके टीचर्स को, जितने भी लोग यहाँ पे मेहनत करें उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। एक कामयाब एग्जीबिशन इन्होंने किया है, सही से एग्जीबिशन, उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। हमारे शांति देवी जी आए हुए हैं, राजन जी आए हुए हैं, हमारे जो है ना मोहम्मद गौस मोहिद्दीन नाराई साहब बहरीन बैंकॉक से भी आए हुए हैं, आसिफ साहब है, दीगर और भी साथी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए मैं एक मैसेज हमारे तमाम साथियाँ या जो भी सुन रहे हैं उनको ये देना चाहता हूँ कि हमारे भारत की सरजमीन पर भाईचारगी कायम है और कायम रहेगी, जिसकी मिसाल हमारे राष्ट्र तेलंगाना के अंदर जो केसीआर साहब लेके चले आ रहे हैं, और जहां पर आप देख सकते हैं सुल्तान शाही तालाब कट्टे पर इस्लामिक स्कूल है, जो हाईटेक पब्लिक स्कूल हाईटेक इस्लामिक स्कूल है, इस स्कूल के अंदर हमेशा से ही भाईचारगी, जैसा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारे असलम सर चलते हैं, ये हमारे तेलंगाना के कल्चर की मिसाल आप देते हैं। कुछ और लोग होंगे जो इस कल्चर को गलत साबित करना चाहते हैं और गलत बयानी करते हैं, उनको नज़रअंदाज करते हुए ये अपनी जुस्तजू, अपनी भाईचारगी को बच्चों को पढ़ाते हुए एक मैसेज हमारे तेलंगाना राष्ट्र के अंदर हर बच्चा बड़ा बुजुर्ग नौजवान को देते हैं। तो यही है हमारे तेलंगाना का एक कल्चर और हमारे तेलंगाना का सिस्टम, जो साथ मिलजुल कर मोहब्बत और खुलूस को एक दौर से जो चलने आ रहा है उस दौर को बरकरार रखे। और फिर से मैं असलम सर को एक मुबारकबाद देते हुए इस काम को और इस एकता को आगे लेकर चलने के लिए मैं उनके लिए दुआ करते रहूँगा इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।